हेलो फ्रेंड, मैं बनाने जा रही हूँ आज मूंग मसूर की दाल। मैंने 1.5 कप मसूर की दाल ली है, 1/2 कप मूंग की दाल ली है जो कि मैंने भिगो ली है, 1 बड़ा टमाटर लिया है, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा धनिया लिया है, 3 मिर्च ली हैं जो कि मैंने कट कर ली हैं, 1 चम्मच नमक लिया है, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। तड़के के लिए मैंने 1/2 चम्मच जीरा लिया है, 5 लहसुन की कलियाँ ली हैं। चलो बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने गैस ऑन कर लिया है, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। मैंने 4 कप पानी लिया है और जो मिर्च हल्दी पाउडर नमक ये हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्के से चम्मच चलाएंगे। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। थोड़ी देर के लिए इसको बंद कर देंगे। अब हम इसमें हल्के से चम्मच चलाएंगे। इसमें हम दाल डाल इसको अच्छे से चलाएंगे। थोड़ी देर के लिए ऐसे ही पकने देंगे। देखिए हमने इसका ढक्कन लगा दिया है, अब 2 सीटी आने देंगे। 2 सीटी के बाद अब हम इसको खोलेंगे। एक सीटी और आ जाएगी तो हम इसको गैस को बंद कर देंगे। दो सीटी आ चुकी हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे और थोड़ी देर बाद खोलेंगे। प्रेशर इसमें ही रहने देंगे। देखिए हमने इसको खोल लिया है, दाल अच्छे से पक चुकी है। हल्का सा थोड़ा सा और पकने देंगे। गैस हमने मीडियम लो पे कर रखा है और अब हम इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया कटा हुआ डाल देंगे। चम्मच चलाएंगे। दाल हमारी पक चुकी है, अब हम इसमें तड़का करेंगे। देखिए मैंने पैन में ऑयल ले लिया है, अब इसमें हम कटा हुआ गार्लिक डाल देंगे, जीरा भी नहीं डालेंगे नहीं तो काला हो जाए। जब थोड़ा सा गुलाबी कलर का हो जाए गार्लिक, फिर इसमें हम जीरा ऐड करेंगे। देखिए धीरे धीरे ब्राउन सा हो रहा है। हम इसमें जीरा
ऐड कर देना। तड़का हमारा हो चुका है, अब हम इसे देखिए दाल हमारी बनकर तैयार है। थोड़ी देर के लिए गर्म कर देंगे, फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। देखिए हमारी दाल बनकर तैयार है। आप चाहे रोटी के साथ खाएं या चावल के साथ, दोनों ही तरीके से दाल टेस्टी लगेगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना आपको दाल की रेसिपी कैसी लगी है।